मैं हूं क्राइम मदारी। शताब्दी एक्सप्रेस में बम की सूचना से मची अफरा तफरी, 2 घंटे तक चली जांच, बाद में कोरी निकली अफवाह, अटकी रही सांसें। अजमेर से दिल्ली की तरफ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में यात्री अभी सोने की तैयारी कर रहे थे। कोई अपनी चद्दर का इंतजाम कर रहा था तो कोई अपना बिस्तर सही कर रहा था। दरअसल खाना खाने का वक्त हो गया था तो कुछ लोग खाना खाने में भी मशगूल थे, लेकिन अचानक सबकी सांसें अटकी रह गई जब किसी शख्स ने 9:20 पर कंट्रोल रूम में फोन कर बताया कि उसने गाड़ी में बम रख दिया है और वो खुद रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पर उतर गया है। बस फिर क्या था, बम की सूचना मिलने के बाद मची अफरा तफरी, हर तरफ कोहराम का माहौल और गाड़ी को गुड़गांवा के रेलवे स्टेशन पर रुकवा लिया गया। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, पुलिस की पूरी फौज पहुंच गई मौके पर और ट्रेन के एक एक डिब्बे को छान मारा। जिस कोच C3 में बम बताया गया था वहां पर भी कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर अपनी पुलिस जी 2 घंटे बहाती रही पसीना, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वो 2 घंटे यात्रियों के लिए भी परेशानी का सबब बने रहे। हर कोई सोचता रहा पता नहीं शायद गाड़ी में बम हो, और हर किसी को अपने और अपनों की याद सता रही थी। वो तो शुक्र रहा कि गाड़ी में कुछ नहीं मिला और बम की अफवाह पूरी तरह कोरी साबित हुई। और अंत में 11:38 पर शताब्दी ट्रेन को गुड़गांवा के रेलवे स्टेशन से किया गया रवाना, जिसके बाद ही यात्रियों ने चैन की सांस ली। तो साहबान, बम की सूचना देने वाला तो उतर गया रेवाड़ी में, लेकिन यात्री जहां सांसत में रहे वहीं अपनी पुलिस जी सर्दी में भी बहाती रही पसीना। अब देखना होगा आखिर कब तक अरेस्ट होगा ये चोर का झटका धीरे से देने वाला आरोपी। तो रहिए सावधान। मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।